हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमू से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित अपराधी वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वल्लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रासमयी दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमू से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित अपराधी वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह
यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वल्लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हिम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित अपराधी वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वल्लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया
कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है, जिसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और
और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और
आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं। लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख माइक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं। लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका
और ये मूवी बनाई थी एक निलंबर लॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने गर्मसा सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगान मूवी के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उसकी जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हिम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबर रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने गर्मसा सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख
मालिक अकेलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अकेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आईओसी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आईओसी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जाँच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इस स्पीड कहा जाता है दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है जो अवैध रूप से इनहेलर्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दर्शकों चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है जबकि RD राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आईओसी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इस स्पीड कहा जाता है दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी
जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी, तो इरू मुगान या रावड़ी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने गर्मसा सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगान मूवी के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल रावड़ी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी, तो इरू मुगान या इंटरनेशनल रावड़ी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने गर्मसा सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के
दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, आसर थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित अपराधी वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि
की अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है, जिसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और
इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में इसी फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हिम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित अपराधी वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर
पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख माइक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका
और ये मूवी बनाई थी एक निलंबन लॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर लॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगान मूवी के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हिम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख
मालिक अकेलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अकेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रहस्यमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है जो अवैध रूप से इनहेलर्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है जबकि RD राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रहस्यमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो
हम बात करने वाले इरू मुगान मू के बारे में, इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगान मू के बारे में, इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के
दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित अपराधी वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया
कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। थीम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। थीम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स
की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडरा होता है और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने गर्मसा सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगान मूवी के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हिम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित अपराधी वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडरा होता है और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने गर्मसा सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख
मालिक अकेलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अकेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आईओसी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आईओसी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जाँच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। थीम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है जो अवैध रूप से इनहेलर्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है जबकि RD राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आईओसी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो
हम बात करने वाले इरू मुगान मू के बारे में, इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दर्शकों चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने गर्मसा सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगान मू के बारे में, इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दर्शकों चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने गर्मसा सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के
दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित अपराधी वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन
एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दर्शकों चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है, जिसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दर्शकों चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और
और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख माइक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी, तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख माइक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों
कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अकेलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है जो अवैध रूप से इनहेलर्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका
और ये मूवी बनाई थी एक निलंबर लॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगान मूवी के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हिम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबर रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख
मालिक अकेलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अकेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जाँच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इस स्पीड कहा जाता है दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी, तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है जो अवैध रूप से इनहेलर्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य चेन्नई, बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है जबकि RD राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इस स्पीड कहा जाता है दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम
बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में, इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमू से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है, जिसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में, इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमू से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद संघ द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया है था।
एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है जो अवैध रूप से इनहेलर्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में
सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की, तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है, जिसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और
और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी, तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है, जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसकी पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख मालिक अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे दोनों
कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अकेलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबन रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है जो अवैध रूप से इनहेलर्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दस कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने अनुसार सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है जिससे रॉ एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है जिसने इस्तीफा दे दिया है था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगानमू के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में सिमो से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हेम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, नासर, थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका
और ये मूवी बनाई थी एक निलंबर लॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी, जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जाँच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जांच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेल्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेल्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिलन लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले इरू मुगान मूवी के बारे में। इसका हिंदी में नाम रखा गया था इंटरनेशनल राउडी। तो आज की वीडियो में इसी मूवी से फैक्ट और जानकारी के बारे में बात करने वाले, थोड़ी बहुत स्टोरी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं की जानकारी। तो इरू मुगान या इंटरनेशनल राउडी आनंद शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित 2016 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस एक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। हिम्स फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म में नित्या मेनन, आसर थब्बी रमैया, करुणाकरण और ऋत्विका के साथ विक्रम दोहरी भूमिकाओं में है। विक्रम पहली बार एक दोहरी भूमिका वाली मूवी बनाई थी। एक निलंबर रॉ एजेंट अखिलन विनोद के रूप में, जो लव नामक एक वंचित आपराधिक वैज्ञानिक को ट्रैक करने के मिशन पर है, जो अवैध रूप से इनहेल्स की आपूर्ति करता है जिसमें आतंकवादियों के लिए स्पाइडर होता है। और फिल्म कलाकारों, चालक दल के सदस्यों और निर्माताओं के प्रोडक्शन के में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजारी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस मूवी की 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का प्रमुख हिस्सा मलेशिया में शूट किया गया था और कुछ दृश्य कुछ नई बैंकॉक, लद्दाख और कश्मीर में शूट किए गए थे। हरीश जयराज ने फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर की रचना की है, जबकि आरडी राजशेखर और भुवन श्रीनिवास के ने क्रमशः सिनेमेटोग्राफी और संपादन का काम संभाला। यह फिल्म 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी रही। बात करें स्टोरी की तो एक बुजुर्ग मलेशियाई व्यक्ति पागल हो जाता है और ढहने से पहले मलेशिया के कुआलालंपुर में भारतीय दूतावास में 5 मिनट के अंतराल में कई भारतीय अधिकारियों को मारता है। उसकी गर्दन पीछे प्रेम प्रतीक का एक टैटू मौजूद है, जिससे रॉय एजेंसी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वह लव नाम के दुष्ट वैज्ञानिक की करतूत है। इसके पहचान और ठिकाना उनके एजेंट अखिल विनोद को छोड़कर किसी के लिए अज्ञात है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी 4 साल पहले लव का भंडाफोड़ करने के लिए एक आइसमैन के दौरान अखिलन की पत्नी मारी जर्जा के प्रमुख कंप्यूटर विश्लेषण की उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। रॉ प्रमुख अखिलन का पता लगने और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। हमले के वीडियो फुटेज को देखने पर अखिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बुजुर्ग
मलेशियाई व्यक्ति ने एक रहस्यमय प्रदर्शन बढ़ाने वाला दवा ली थी जिससे उसे भारतीय अधिकारियों पर हमला करने की अनुमति दी और मलेशिया में मामले की जांच करने का फैसला किया। चूंकि अखिल निलंबित के अधीन है, मालिक उसे आयुषी नाम के एक जूनियर रॉ के डिप्टी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे आधिकारिक तौर पर मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। और वे दोनों कुआलालंपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुआलालंपुर में अखिलन और आयुषी को पता चलता है कि अस्थमा इनहेलर का प्रयोग करके रसमय दवा को सूंघा जाता है और आगे की जाँच उन्हें पीटर के पास ले जाती है, जो एक वैज्ञानिक है जो लव के पैरोल पे है। पीटर मुखबिर बन जाता है और उन्हें दवा के बारे में पता बताता है। इसे स्पीड कहा जाता है। दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति में बेहोश होने से पहले 5 मिनट के लिए असाधारण शक्ति होने का कारण बनता है और यह व्यक्ति कुछ घंटों के भीतर फिर से दवा लेता है तो वह बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ेगा। और पीटर ने यह भी खुलासा किया कि अगले 15 मिनट के भीतर लव को स्पाई इनहेलर्स की एक खेप भेजी जानी है कि अखिलन और आयुषी इनहेलर्स ले जाने वाली लॉरी का पीछा करते हैं, लेकिन एक लॉरी चालक गति में सांस लेता है और युगल को वश में कर लेता है, जिससे बाद में लव के ठिकाने पर ले जाया जाता है। जैसे कि अखिल लव को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जो एक ट्रांसजेंडर निकलता है और मीरा ने खटखटाया, जो अभी भी जीवित है और एक कंप्यूटर हैकर के रूप में लव के लिए काम कर रही है और रोजी नाम से जानी जाती है।